एक तरफ जहां देश में संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासत गरमाई हुई है, विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर संसद की सुरक्षा को लेकर निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मामले को लेकर नए नए खुलासे कर रही है। घटने वाला दिन ही पुलिस ने मौके पर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं उसी रात पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से सटे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं घटना का मास्टरमाइंड ललित झा घटना वाले दिन से ही फरार चल रहा था। वहीं कल देर रात ललित झा ने भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में ललित झा ने बताया कि वो लोगों को किसी भी हालत में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पहले से ही 2 प्लान तैयार कर रखे थे। किसी हालत में अगर प्लान ए विफल हो जाता तो वो प्लान बी पर शिफ्ट हो जाते। बता दें कि संसद की सुरक्षा में शेंद को लेकर अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आजाद, अमोल शिंदे और ललित झा का नाम शामिल है। इसके साथ ही पुलिस ने गुरुग्राम से विक्की नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। विक्की ने ही इन सभी आरोपियों को अपने घर में पनाह दी थी। इन सबके अलावा 2 और लोग जिनके नाम महेश और कैलाश है, उनको भी अरेस्ट किया गया है। इससे अंदाजा लग जा सकता है कि आरोपी संसद में सेंधमारी के कितने फुल प्रूफ तरीके से आए थे। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या था आरोपियों का प्लान ए और बी। प्लान ए की बात की जाए तो सबसे पहले मनोरंजन डी और प्लान ए के तहत संसद के भीतर मनोरंजन डी और सागर शर्मा को जाना था, क्योंकि उनके विजिटर पास बने हुए थे। इसी प्लान के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से संसद के करीब जाएंगे और वहां कलर बम जलाएंगे। आरोपियों के प्लान ए के तहत ही काम किया और संसद में घुसकर मनोरंजन और सागर ने स्मोक बम का इस्तेमाल किया। ये दोनों विजिटर गैलरी से सीधे सदन में कूद गए और स्मोक बम जला दिया, जिससे पीला धुआं फैल गया। प्लान बी के तहत तय किया गया था कि अगर किसी वजह से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते। वो मीडिया के कैमरों के आगे कलर बम जलाते और नारेबाजी करते। लेकिन 12 दिसंबर की रात महेश और कैलाश जब गुरुग्राम में स्थित विक्की के घर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में काम करने का जिम्मा सौंपा गया। घुसपैठ के बाद छुपने का प्लान। संसद में घुसपैठ की घटना को अंजाम देने के बाद ललित ने छुपने का प्लान बनाया था। इस प्लान में महेश को जिम्मेदारी दी गई कि जब वो पुलिस से बचकर दिल्ली से निकले तो राजस्थान में उसके छिपने में मदद की जाए। महेश लेबर का काम करता है, कैलाश और महेश मौसेरे भाई हैं। महेश ने अपनी आईडी पर ललित को एक गेस्ट हाउस में कमरा दिलवाया था। ललित, महेश और कैलाश तीनों लगातार टीवी पर इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे थे। एफआईआर में क्या कहा गया? एफआईआर में दर्ज है कि जानकारी मिलने के बाद जब पार्लियामेंट थाने से पुलिस की टीम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सुरक्षा निदेशक के दफ्तर पहुंची तो वहां पर लोकसभा के डिप्टी डायरेक्टर ओंकार सिंह ने उन्हें शिकायत कॉपी और साथ ही वहीं से उन्हें पार्लियामेंट के अंदर घुसकर हंगामा करने वाले सागर शर्मा और मंजन जी की कस्टडी मिली। साथ में इनके आधार कार्ड की कॉपी भी दी गई जो इन्होंने जमा की थी। इसके साथ ही इस्तेमाल किए गए क्रिएटिव कलर के 2 कैनिस्टर भी दिए और दोनों के जूते भी सौंपे गए। सागर शर्मा के नाम का पब्लिक गैलरी का पास भी उनके हवाले किया गया। दोनों कलर कैनिस्टर को सागर शर्मा और मंजन जी ने लोकसभा के अंदर जलाया था। इसके बाद सारे आर्टिकल और सारे सामान को वो लेकर थाने पहुंची। सागर शर्मा के स्पोर्ट्स जूते देखने पर पता लगता है कि कलर कैनिस्टर को छिपाने के लिए बाएं पैर के जूते के अंदर के सोल में कैविटी बनाई गई थी। दाहिने पैर के जूते के अंदर के सोल को भी थोड़ा काटा गया था। फूल को रबर जोड़कर मोटा बनाने की कोशिश की गई थी ताकि आराम से कैविटी बनाया जा सके। पुलिस को 2 पंपलेट भी मिले जो थोड़े फटे हुए थे। पहले पंपलेट पर इंग्लिश में छपा हुआ था जय हिंद, इसके बाद तिरंगे की फोटो थी और हिंदी में स्लोगन लिखा हुआ था, जबकि दूसरे पंपलेट पर इंग्लिश में मणिपुर और दूसरे कुछ मुद्दों से जुड़े स्लोगन लिखे हुए थे। इन सबको सीज कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि गेट नंबर 2 और 3 पर इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे अमोल, शिंदे और नीलम को भी हिरासत में लिया गया। बाद में पता लगा कि ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। जिस पुलिस वाले ने बाहर से अमोल और नीलम को पकड़ा था, उन्हें 4 इस्तेमाल कलर कैनिस्टर के अलावा एक बिना इस्तेमाल हुआ कलर कैनिस्टर भी थाने में जमा किया। सभी कलर कैनिस्टर पर लिखा हुआ था कि इसको इस्तेमाल करते समय चश्मा जरूर पहने, हाथों में ग्लव्स पहने और बंद जगह में कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। मौके पर शुरुआती जांच क्राइम टीम के साथ साथ फॉरेंसिक असिस्टेंट टीम ने की थी।